नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टॉक टॉक्स में। आइए मैं आपको दो स्टॉक के बारे में बता देता हूँ जो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, एक टाटा मोटर और एक FSL। आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप ग्रे चार्ट में देखोगे, टाटा मोटर्स आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो इसका पहला टारगेट है आपका 446, 445, दूसरा टारगेट है आपका 461 और तीसरा टारगेट है आपका 494। ठीक है, डे चार्ट पे ये बाई में है। अगर वीकली चार्ट पे चला जाया जाए तो वीकली चार्ट पे मैं बाई में आ गया है, तो इसमें आप एक पोजिशनल हेज भी बना सकते हैं कि करंट स्ट्राइक पर, अगले महीने में करंट स्ट्राइक पर इसका सी बाई करके और 200 पॉइंट दूर आप पी बाई कर लो। ठीक है, और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, आप जितने स्टॉक्स ऐड करना चाहें। इसका भी जो टारगेट जो मेरे पास अभी करंट में जो निकल के आ रहा है, पहला टारगेट है इसका 443, दूसरा टारगेट आपका 462, तीसरा टारगेट है आपका 494। ये आने वाले टाइम में ये आपको टारगेट मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक डे चार्ट पे और वीकली चार्ट पे दोनों पे बाई है, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना के जा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। चाहे आप 100 स्टॉक लें, 50 स्टॉक लें, 25 स्टॉक लें, लेकिन आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आइए आते हैं FSL पे। FSL भी डे चार्ट पे आपका पूरी तरीके से बाई में है, और वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट पर भी ये बाई में आ चुका है और 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग इसका करंट में अगर टारगेट देखेंगे, पहला टारगेट है डे चार्ट पे पहला ये 200 की मूविंग एवरेज जो है 112, दूसरा टारगेट है आपका इसका 115 और तीसरा टारगेट है आपका 118। अगर वीकली चार्ट के बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूं, अगर मेरे को चौथा टारगेट इसमें निकालना हो तो चौथा टारगेट है आपका 127। ये है आपका चौथा टारगेट। तो अगर वीकली चार्ट पे फिर से आते हैं, वीकली चार्ट पे जो भी आपको बता रहा है, तो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है ये, तो ये अभी इसका पहला ही टारगेट वीकली चार्ट पे आपका इसका बन रहा है जो है 115 रुपये। ठीक है, अरे पूरे तरीके से बाई में है, पूरे तरीके से बाई में है, तो आप इसमें भी आप अपना पोजिशनल हेज बना के जा सकते हैं। जैसे आप इसका फ्यूचर बाई कर लो और कोई दूर का 200 पॉइंट, कुछ दूर का आप पी सेल कर पी बाई कर लो, तो इस तरीके से फरवरी मंथ में लेके हम लोग इसका हेज भी बना सकते हैं, हम लोग इसको पोजिशनल भी जा सकते हैं, हम लोग इसका स्टॉक ऑप्शन भी दोनों स्टॉक का बना सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन हेज भी बना सकते हैं, और इसको हम लोग अपने पोर्टफोलियो में भी लंबे समय के लिए रख सकते हैं। लंबे समय के लिए रखने का मतलब, अगर डे चार्ट पे आ गया तो कम से कम 15 से 20 दिन से लेके 6 महीने तक, जब तक कि ये अपने यह इस लेवल पे ये दोनों स्टॉक ना पहुंच जाएं 80 पर, जो हमारा ओवरबॉट जोन है 80 तक ना पहुंच जाए। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी जिस तरीके से टाटा मोटर्स की ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से टाटा मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आ रहा है, और इसका जो भविष्य है वो बहुत ही ब्राइट है, तो टाटा मोटर्स को तो आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर रखिए। टाटा मोटर्स को आप पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर रखिए। बोलिंजर बैंड को भी देखिए, आप ये ऊपर की तरफ मुड़ चुका है, तो ये डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि ये पोजिशनल हेजिंग में आप फ्यूचर का हेज कर सकते हो या स्टॉक ऑप्शन का भी हेज कर सकते हो। ये तीनों कैटेगरी के लिए, तीनों कैटेगरी, पहली कैटेगरी आपकी हो गई, आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखो, दूसरी कैटेगरी हो गई फ्यूचर हेज बनाओ फरवरी का, तीसरी कैटेगरी हो गई आपका ऑप्शन हेज बनाओ। तो तीनों कैटेगरीज के लिए ये दोनों स्टॉक ही बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और अगर आपको हेज के बारे में और मालूम करनी है, तो आप मेरे नंबर 8588-18434 पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि इसकी पोजिशनल हेज या फ्यूचर हेज किस तरीके से बनाया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में आपके लिए मैं और इस तरीके के स्टॉक्स ले आऊं, और डेली ले आऊं, डेली कम से कम 2 स्टॉक्स मैं आपके लिए ले आऊं, जिससे आप स्टॉक के बारे में हमेशा अपडेटेड रहो, और अगर आप चाहो तो आप उसे पोजीशन बना के जा सको।
तो इस वीडियो में इतना ही इन दो स्टॉक्स का, कल मिलते हैं कुछ और स्टॉक्स की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड नाइट।